नमस्ते दोस्तों, आपका स्वास्थ्य के इस नए वीडियो में सभी का बहुत स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरुषों के इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इस्तेमाल होने वाले हिमकोलिन जेल की। वैसे इसका वीडियो हमने इससे पहले भी बनाया था जिसपे 3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज थे, लेकिन बार बार साउंड की कंप्लेंट की वजह से हम वो वीडियो नए से आज फिर से लाए हैं। आज के इस वीडियो में हमने उस पुराने वीडियो पे पूछे गए कुछ सवालों के जवाब भी दिए हैं, तो पूरी और सही जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपके कमेंट्स को सबसे पहले रिप्लाई दिया जाएगा और आप आने वाली किसी भी नई वीडियो को मिस नहीं करेंगे। हेल्थ से रिलेटेड और भी बहुत सारे ट्रस्टेड जानकारी के लिए, घरेलू नुस्खों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.aapkaswasthya.com को जरूर विजिट करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, हिमकोलिन जेल एक हर्बल दवा है, यानी ये जेल पेनिस यानी लिंग के त्वचा पर लगाने के लिए सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है। हिमकोलिन जेल का इस्तेमाल पुरुषों में होने वाले इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी स्तंभन दोष के उपचार में किया जाता है। ये दवा उन पुरुषों में काम आती है जिन लोगों में सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त लिंग इरेक्ट तो हो जाता है लेकिन ज्यादा देर तक टाइट नहीं रह पाता। इस दवा में मांसपेशियों को आराम देने वाले मसल रिलैक्सेंट गुण होते हैं और इसीलिए ये इरेक्शन को बढ़ाने में और बरकरार रखने में हेल्प करते हैं। इस जेल के 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, एक है ज्योतिषमती और दूसरा है लता कस्तूरी यानी जंगली भिंडी। ज्योतिषमती का उपयोग स्तंभन दोष के इलाज के लिए किया जाता है। ये रूबीफिसिन के रूप में काम आता है, यानी लिंग की नसों में नए से रक्त संचार कराता है, जो पुरुष लिंग के सेंसिटिव नर्व्स को ट्रिगर करता है और इरेक्शन को बढ़ाता है। लता कस्तूरी का उपयोग यौन इच्छा को बढ़ाने के लिए किया जाता है, इससे कम हुई काम इच्छा बढ़ जाती है और ये ऐंठन यानी क्रैम्प्स को भी रोकता है और कामोद्दीपक के रूप में काम करता है। इस जेल को 2 मूंगफली के दाने जितना लेकर लिंग के ऊपर त्वचा यानी प्रीपिस को पीछे खींचकर ग्लास पेनिस के इर्द गिर्द लगाया जाता है। यदि प्रॉब्लम ज्यादा है तो इसका इस्तेमाल कुछ दिनों तक रोज किया जाता है, लेकिन यदि प्रॉब्लम कम है तो इसका इस्तेमाल भी कम किया जाना चाहिए, यानी जब शारीरिक संबंध बनाने हैं तो संबंधों से 20 से 25 मिनट पहले। इसे 18 साल से ऊपर का कोई भी पुरुष इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बाद में इसे धोकर ही फिजिकल रिलेशनशिप रखनी चाहिए। इस जेल को लगाने के बाद किसी भी साइड इफेक्ट का ना होने का दावा हिमालय करती है और ये काफी हद तक ठीक भी है, लेकिन ये जेल लगाने के बाद लिंग की त्वचा थोड़ी सी लाल दिखाई पड़ती है और काफी जलन भी महसूस होती है, जिससे कई लोग परेशान हो जाते हैं। हिमकोलिन जेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम को बढ़ाती है, लेकिन ये उन लोगों में ही काम करती है जो काफी यंग है, यानी 20 से 40 साल की उम्र वाले लोग और जिनका प्रॉब्लम थोड़ा माइल्ड है। जो लोग हाई बीपी और हाई डायबिटीज के कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन से जूझ रहे हैं, उन लोगों में ये जेल उतना इफेक्टिव काम नहीं करता है और ये हर बार इस्तेमाल करना पड़ता है, और जब तक आप इसे यूज करते हैं तभी तक ये आपको इफेक्ट देता है, यानी इससे आपका प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन ये प्री मैच्योर इजेक्युलेशन में भी पॉजिटिव इम्प्रूव दिखाता है और सेक्सुअल कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। बहुत सारे फेक यूट्यूब वीडियोस में कहा गया है कि इससे लिंग का साइज बढ़ता है, तो दोस्तों इससे या और किसी भी क्रीम से ऐसा कुछ नहीं होता, साइज नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों, इस जेल के बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें, वहां से आपको इसके बारे में और सभी जरूरी जानकारी मिल जाएगी। आपके इस जेल से रिलेटेड कुछ सवाल हो तो हमें कमेंट्स में जरूर पूछें, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों से शेयर करें और उनकी भी हेल्प करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके फिर से लौटेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।